ये चेक करो इंस्टा पर 8 मिली। ये गेस करो किसकी किसकी आई 8 है। यहाँ से शुरू करके यहाँ तक मसल स्टिकर लगेगा बिकॉज ये जो आप पॉल वॉकर थीम देख रहे हो ना, ये देखो इतनी भुक्की लड़की है ना, सारी अचीवमेंट मेरी होती है और पार्टी इसको चाहिए होती है। आज तुम दे दो रितिका भाई। बहुत टाइम से हम लोग प्रिपेयर करने की सोच रहे थे और अब ये जब बनने को तैयार हो रही है ना, चेक दिस आउट, विंडो भी निकलने शुरू हो चुकी है एंड अंदर से पूरा ये चेक करो पूरी सुपर खाली। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस ये व्लॉग भी रोहिणी से शुरू हो रहा है एंड द थिंग इज एक बहुत बहुत बड़ी चीज हम लोग कर रहे हैं गाइस। आप लोगों को पता है गाइस ये असम उड़ीसा वाली सीरीज चली रही है एंड हमारा प्लान बना कि हम लोग सुपरा लेकर के आते हैं। सुपरा वैसे भी आनी थी एंड सीन्स ये हुए गाइस कि हम लोग अपनी मॉडिफाइड सुपरा लेकर के आ रहे हैं। हमारी सुपरा का काम कल सुबह से शुरू हो जाएगा। आई नो गाइस ये सीरीज वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज होने वाली है एंड फाइनली सुपरा मॉडिफाई होने शुरू जा रही है पॉल वॉकर स्टाइल में। क्या कह तुम लोग कहाँ जा रहे हो बाइक पे? बच्चों की तरह करते रितिका, बिल्कुल घुमा के लाओ। बच्ची है ना, कब बड़ी होगी रितिका तुम भी समझ नहीं आ रहा। देखो भैया आपकी बिग बॉस वाली शानी तो उतार दूं। जब बाइक अंदर गई थी ना यहाँ पे भी सब ब्रांडिंग पे टेप पे लगाई हुई थी। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता, एक्चुअली गाइस इलेक्शन चल रहे ना, आ देता हूँ। वी हैव गॉट सुरेश भैया विद अस। सुरेश भैया कल से गाड़ी का काम शुरू। कितने दिन? दो दिन, चार दिन? दो दिन, दो दिन, दो दिन। खाओ मेरी कसम, लोगों के सामने बताओ, दो से चार दिन। तो चार दिन मत बोलो, दो दिन बोलो बस। दो दिन, दो दिन, दो दिन पक्का ना? दो दिन आप कमिटमेंट? हाँ मतलब ये आदमी कमिटमेंट पे नहीं है। दो दिन मतलब कल और परसों में आप हमारी गाड़ी मॉडिफाई करके, परसों में पूरा पॉल वॉकर स्टाइल में आप हमें मॉडिफाई करके दे दोगे। गाइस अभी हम लोग रोलिंग व्हील्स थे ही, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। अभी हम लोग आए थे, ये गेस करो किसकी किसकी आई 8 है। मेरी बात हुई गाइस संजू भाई से, एक दस आउट ये संजू भाई की आई 8 है, मस्त है एकदम एंड इसका भी रैपर अप होने का काम आया। एंड मैं आपको एक चीज और बताता हूँ गाइस, ये ना हाइब्रिड है। अभी मेरी बात हुई इनसे, बोल रहे मैं एक बारी फ्यूल अप कराता हूँ और 15-20 दिन मेरी छुट्टी हो जाती है। मैंने कहा यार ये आई 8 भी मस्त है बट इसमें ना एग्जॉस्ट उतना लाउड नहीं है जितना नॉर्मल लाउड एमएचए होता है, बट मस्त लग रही है। संजू भाई आपकी गाड़ी ज्यादा की एवरेज दे रही है, बाइक के वो जो बाहर बाइक की घड़ी है ना वो 10 के एवरेज भी नहीं दे रही है, बट लुक्स अमेजिंग गाइस, क्रेजी लग रही है। फिलहाल के लिए अब दो दिन हम लोगों को ऑलमोस्ट यहीं पर लगेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं होटल। कल सुबह से गाड़ी का पूरा मॉड का काम होना शुरू होगा। इट्स गोना बी, ये आई नो थोड़ी सी चीजें, आई नो गाइस एक्चुअली राइड पे हम लोग पूरी चीजें करवा के ही निकल रहे हैं एंड जगह जगह रुकना पड़ रहा है चीजों को लेकर के। लखनऊ के मीटअप के लिए भी ऑलमोस्ट पूरी फाइनल बात हो चुकी है, सो वी आर कमिंग। फिलहाल अभी एयरबीएनबी बुक करते हैं गाइस और निकलते हैं यहाँ से होटल के लिए, फिर आपको आगे का सीन बताता हूँ। और सुरेश भैया दो दिन है ना? दो दिन गाइस, कल परसों, क्योंकि असम उड़ीसा से इतने लोग कॉमेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जिस लेवल की मॉडिफाई होगी ना, कांट रियली वेट टू चेक इट आउट। निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे। सुरेश भैया ने हमें नई स्कीम बताई है। सुरेश भैया क्या स्कीम बता रहे हो आप हमें? आप रात को मेरे साथ यही सोना, हम साथ में काम करेंगे गाड़ी का। श्योरिटी दे रहे हो यानी आप एक दिन कट डाउन कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मतलब टोटल दो दिन है। टोटल दो, टोटल दो दिन, कल और परसों। क्या आज 17 है ना, तो 18, 19, 19, अरे हमें 19 को गाड़ी पूरी मिल जाएगी ना, 19 को रात को, 20 सुबह डन, 20 सुबह डन ना। ये बहुत लंबा काम खिंचवा रहे हैं, बट आई नो इस राइड के लिए कितने लोग एक्साइटेड हो रखे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करवाएंगे। फिलहाल ये सुपरा जाएगी स्टूडियो में कल से मॉडिफाई होने के लिए। सो हम लोग जी, मैं आपको बता देता हूँ आज क्या हुआ है। 3 घंटे 4 घंटे 5.5 घंटे होटल ढूंढने के बाद हम लोगों को फाइनली मिल चुका होटल और सारे लौंडे पहुंच चुके गाइस रूम में। एक्चुअली जितने भी होटल हम लोगों को मिल रहे थे ना वो थोड़े से ओके थे एंड हम लोगों को रोहिणी के पास ही लेना था गाइस, इधर इधर ये सारे रूम में ही है, बट हम लोगों को रूम फाइनली अच्छे मिले, बहुत अच्छे एक्चुअली में, बहुत अच्छे गाइस। एक्चुअली गाइस रोहिणी में ना सबकी शादियां हो रही है तो सब फुल पैक्ड है, बट चेक दिस आउट, मैं आपको रूम चेक कराता हूँ। गलत आ गए आप, गलत फ्लोर पे लेके आ गया मैं। 304, 5, 6, अरे 200 में ऐसे थी जी, अरे लेकिन उसने 300 वाले रूम दिए ना, रूम 304, 5, 6 दिए ना। अरे नेक्स्ट फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, भाई ये बोल रहा था कि रात को लिफ्ट का यूज नहीं होता, पता नहीं कोई ऊपर ही पहुंच जाता है। भाई ये हॉन्टेड वॉन्टेड तो नहीं है? कौन बोला? तो भाई देखना रात को नाचना रहे हो बेड पे। हम लोग होटल में खाना खुना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, बहुत टायरिंग दे था आज, 6 घंटे लगे हम लोगों को होटल ढूंढने में, 6 घंटे मोर देन इनफ। पहली बार इतना लेट हमें होटल मिला बट अच्छे होटल मिल गए, क्योंकि पार्किंग पार्किंग अभी सॉर्ट करना था। आज हम लोगों ने होटल लिया था वो लोकेशन लीक हो गई थी,
एंड वी रियली वांटेड कि ऐसा कुछ हो। हां जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज की ये गुड मॉर्निंग इसलिए बता रहा हूँ गाइज क्योंकि बैक स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 इंस्टा पर 10,000 फॉलोवर कुछ हुए थे गाइज, और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ। ये चेक करो, इंस्टा पर 8 मिली, बड़ी 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 8 मिली। पार्टी होगी आज तो हमारी। हाँ, तुम दे रही हो क्या पार्टी, बताओ। तुम दोगे ना? ये इतनी भुक्की लड़की है ना, सारी अचीवमेंट मेरी होती है और पार्टी इसको चाहिए होती है। आज तुम दे दो रित्तिक का पार्टी। चलो ठीक है, पक्का? हाँ, पक्का। 8 मिली की पार्टी दे रही हो? हाँ। ठीक है, हम कुछ प्लान करते हैं। क्या ही होगा ज्यादा ज्यादा, एक केक चाहिए तुम्हें बस। एक पॉपर लेके आ जाएंगे हम सारे का सारे। कुछ ऐसा कुछ कर दो, एक मर्सिडीज गिफ्ट कर दो। सुप्रा रखी है मैंने तुम्हारे लिए उधर। चलो, तो तुमने कहाँ से खरीदी वो? मैंने रखी है वहाँ पे। गाइस, फाइनली इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं 8 मिलियन फॉलोवर्स एंड शुक्रिया सभी लोगों का जिन्होंने 8 मिलियन तक पहुँचाया। भाई सोचो, 10 मिलियन के करीब पहुँच चुके हैं। कुछ टाइम में मे बी आने वाले एक दो सालों में हो जाएंगे। थैंक यू सो मच टू एवरी वन गाइज, लाइक नेवर थॉट कि इंस्टा पर कभी 8 मिलियन फॉलोवर्स भी होंगे। फिलहाल के लिए गाइज, वी जस्ट वोक अप एंड हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं सूरज भाई के पास। हमारी सुप्रा वहाँ पर मॉडिफाई होना शुरू हो जाएगी आज से। आज से ना बहुत सारे काम भी करवाने, सब लोग रेडी हो चुके हैं। क्या कह रही हो, पॉल वॉकर थीम में सुपरा क्रेजी लगेगी? सुंदरी लगेगी, लेकिन सुंदरी तो लगेगी रित्तिका। हाँ। वो है ना, अभी भी है, अभी तो बहुत प्यारी है। बट अभी भी पता है कैसी है सुपरा, व्हाइट अच्छी लगती है, बट हाँ। जब वो ऑरेंज हो जाएगी ना, जो उसकी रोड वैल्यू रहेगी, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। हाँ। भाई मैं जब उसकी फोटोज देख रहा था, मुझे लग रहा था भयंकर क्या चुम्मेश्वरी गाड़ी बना रखी किसी ने, बट जब अब खुद की बनने जा रही है ना, मैंने आई गेस MK4 ना एक दुबई में देखी थी रित्तिका, वो इतनी सुंदर लग रही थी ना, इतनी सुंदर ऑरेंज ऑरेंज सी दिखाई थी। हाँ, वो तो बहुत सुंदर। फिर एक अच्छी कंडीशन में हम लोगों को अपनी सुपरा मिल गई, एंड ये वाली सुपरा का टर्बो इज क्रेजी बॉयज। फिलहाल के लिए निकल रहे हैं ऐसे, रोलिंग भी सब लोग रेडी हो चुके हैं, चलते हैं गाइस। 8 मिलियन सेलिब्रेशन भी वहीं पर करेंगे अपने इंस्टाग्राम की, और अपनी सुपरा का मॉडिफिकेशन भी वहीं पर करवाएंगे। लेट्स गो। ओके बॉयज, निकल चुके हैं हम लोग अपने होटल से, एंड देखेंगे जब भी हम लोग जा रहे हैं रोलिंग व्हील्स अपनी सुपरा को मॉडिफाई कराने के लिए। एंड क्या कह रहे हो लड़कों, 8 मिलियन होने, सॉरी मैंने इनसे बात करना बंद कर दिया सुबह से, जब से मेरे 8 मिलियन हुए। दुष्यंत से तो मैं बिल्कुल भी नहीं। हु यू आई एम योर ब्रदर, प्लीज नो मी, आई एम योर ब्रदर। यू हैव 8 मिलियन फॉलोअर्स नाउ ऑन इंस्टाग्राम। सतीश जी, आपके कितने फॉलोवर इंस्टाग्राम में? 1000। 1000 फॉलोवर है आपके? अरे भैया 1000 है। वाह, ले भाई सिस्टम। फिर से पूछो। क्या? इंस्टा नहीं है। इतना दूर रहोगे ना इन सब चीजों से, समझ रही हो? बहुत सेफ रहोगी। एक लाइन है ना कलम इनकी, मैं तुझे फॉलो ना करूं इंस्टा पे ताकि सेफ रहे तू। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों को कल होटल ढूंढने में इतनी दिक्कत हुई, 6 घंटे हम लोगों ने होटल ढूंढा, उसके बाद हम लोगों को होटल मिला है। जस्ट एडवाइस टू एवरीवन, अगर कोई रोहिणी सेक्टर में होटल देख रहा है तो यहाँ पर होटल सारे बुक्ड है, सारे के सारे, सब कुछ बुक्ड है, बिकॉज यहाँ पर शादियों वाला सीजन चल रहा है। तो मेक श्योर जब भी आप आओ तो रिजर्वेशन चेक करवा करके आना। हम लोगों का तो कल रैंडम प्लान बना, बट ये सुपरा वाला प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैव आस्क्ड फॉर। फिलहाल अभी चलते हैं गाइस रोलिंग व्हील्स में, अपनी गाड़ी में काम होना शुरू हो चुका है, चलते हैं दिखाते हैं आपको। ओके गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग रोलिंग व्हील्स, एंड हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सुपरा के पास। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, सुपरा का मॉडिफिकेशन शुरू हो चुका है। चेक दिस आउट, लाइट ये देखो अब बनी है, भयंकर क्रेजी मॉडिफिकेशन। और तुम किस में घूम रही हो रित्तिका? एक काम करो, तुम आसाम उड़ीसा ना इसी उसमें आ जाओ, ये तो दिखाओ, हमारा आधा गैरेज तो यहीं पे खड़ा हुआ है। तीनों बाइक है, सुपरा हाइलक्स सभी खड़ा, तीन गाड़ियां, चार गाड़ियां, एक हाइलक्स, पांच गाड़ियां हमारी यहाँ खड़ी हुई है, एक लैम्बो शुक्र है घर चली गई है। बट भाई लोगों ने ना सुपरा का काम फुल पावर करना शुरू कर दिया है। चेक दिस आउट, विंडो भी निकलनी शुरू हो चुकी है, एंड अंदर से पूरा ये चेक करो, पूरी सुपरा खाली। भाई कितनी क्रेजी लगती है ऐसे। बट हाँ गाइस, रोलिंग व्हील्स की रैपिंग देखी है मैंने, ये लोग क्रेजी रैप करते हैं। एंड ये जो ऑरेंज वाली थीम है, मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। सुपरा जो आप फोटो में देख रहे हो ना, ये सुपरा बिल्कुल ऐसे मॉडिफाई होने वाली है। इसमें बेसिकली ना आगे ये देख रहे हो, ये जो वेंट है, ये जो वेंट दे रखे हैं हमारी सुपरा में ना, आगे वेंट नहीं है, तो हम लोग इस पे स्टिकरिंग कराने वाले हैं। कि मैं नहीं चाहता यार मैं अपनी सुपरा को काटू फीटू, ये जैसी स्टॉक है हम लोग इसे ऐसी स्टॉक रखेंगे, बिकॉज जिस कंडीशन हम लोग लेकर के आए थे ना, स्टॉक गाड़ियों की वैल्यू ना बहुत ज्यादा है। जैसी मैं सुपरा अपनी इंडिया में रखना चाहता ना, वैसी मैं दुबई में रखूंगा गाइस, क्योंकि MK5 पे हम लोग स्टॉक कंडीशन में लेकर के आए थे, वो दुबई में बेसिक कंडीशन में। एंड फ्रंट प्रोजेक्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो एरिया है ना, हम लोग यहाँ पर चार स्टिकर कराने वाले हैं, ब्लैक 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 एंड ब्लैक। उसके बाद जो ये वाली साइड है, सबसे मेन साइड आते गाइस ये वाली साइड, इस वाली साइड पे ना मैं आपको बता देता हूँ, इस वाली साइड पे पूरा मसल स्टिकर लगने वाला है, यहाँ से शुरू करके
यहाँ तक मसल स्टिकर लगेगा बिकॉज ये जो आप पॉल वॉकर थीम देख रहे हो ना, ये देखो ये गाइस पॉल वॉकर थीम है ना, इस वाली साइड पर ये पूरा मसल स्टिकर है एंड फिर लास्ट में ये ग्रीन थीम में बन जाएगी। तो ये वाली फोटो में आप ऑरेंज देख रहे हो ना, ये हल्का सा लाइट है, हम लोग ना वही वाला स्टॉक कलर करा रहे हैं जो पॉल वॉकर के पास था गाइज। आई नो गाइज पॉल वॉकर एडिशन के बहुत सारे फैंस है एंड जिस हिसाब से हम लोग इसे मॉडिफाई करवाने वाले हैं, आई नो गाइज ये बहुत क्रेजी बनेगा। फिलहाल चेक दिस आउट, कार्बन फाइबर स्पॉइलर निकल चुका है एंड आपको लग रहा होगा ना बहुत भारी होगा, बट चेक दिस आउट, कार्बन फाइबर की क्वालिटी ये होती है कि बहुत हल्का होता है। थोड़ी सी सीट खराब हो चुकी है तो इसपे नई सीट कवर्स डलेंगे। आई नो बहुत बहुत सारी चीजें मॉड के लिए गाइज, एट द सेम टाइम जो एक चीज मैं दुबई से लेकर के आया था ना अपनी सुपरा के लिए वो मैंने आपको दिखाया नहीं गाइज, ये चेक करो, ये हमारे जो गॉच थे ना गाइज स्पीडोमीटर आरपीएम वाले वो हम लोगों ने दुबई से मंगवा लिए थे। मैं पता क्या सोच रहा था, पहले इसको यहाँ फिट करवाते हैं बट इसको यहाँ नहीं फिट करवाएंगे दुष्यंत, पता इसको कहाँ फिट करवाएंगे, ये वाली थीम में, क्योंकि ओरिजिनल जो पॉल वॉकर इसको ना यहाँ पे भी लगवा सकते हैं जैसे उसमें विजिबिलिटी खराब होगी, यहाँ पर पॉल वॉकर वाली जो थीम थी ना उसको यहीं पर था, तो यहाँ पर ये तीन चार गॉज लेकर के आ रखे हैं भाई, सारा सामान कब से प्रिपेयर्ड था ये सब कुछ, और अब जैसी बन रही है ना भाई, भाई बता भी नहीं सकता, बहुत टाइम से हम लोग प्रिपेयर करने की सोच रहे थे और अब ये जब बनने को तैयार हो रही है ना ऑन प्रोसेस, तो खुशी को दिन है गाइस। एंड गाइस एट द सेम टाइम स्टेयरिंग मॉडिफिकेशन भी पूरी स्टार्ट हो चुकी है, ये चेक करो ये सब कुछ निकल चुका है, मैं क्या सोच रहा हूँ स्टेयरिंग में ना वो कार्बन फाइबर वाला डाला लेते हैं, भाई क्या क्रेजी लगी, मैं जब आरबीएम जाते हैं ना हाई आरबीएम तो उनमें लाइटें जलती हैं यहां पे। हां एंड गाइस ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है बिकॉज हमारी जो गाड़ी है ना वो स्टेज 2-3 मैप्ड है, तो फिर यू नो उसके लिए थोड़ी एडिशनल एक्सेसरीज बहुत चाहिए, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावर फेंक करी है, एग्जॉस्ट संभाल नहीं पा रहा था, MK4 बनती टूटने के लिए, कभी इसका एग्जॉस्ट कभी इसका टर्बो, क्योंकि इतनी पावर है ना, इतनी पावर, उस पावर को कंट्रोल करने के लिए वी आर पुटिंग ऑन सम एक्सेसरीज ताकि ये और भी हो जी, पावर को झेलने के लिए ना पावरफुल बंदे चाहिए। और मैं आपको बताऊं क्या सीन है इस पे, लैम्बो में तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उसे कंट्रोल करने के लिए, बट इस पे ना आपको एक्चुअली में आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे कंट्रोल करोगे इसे। एंड एट द सेम टाइम गाइज ये जो डिस्प्ले ऑलरेडी लगी हुई है अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि मॉड चल रहा है, कनेक्शन ओपन है, बट कल शाम तक हमारी सुपरा फाइनली मॉड हो ही जाएगी। तो डिग्गी पीछे से ही खुलती है, आगे से किसकी डिग्गी खुलती है, ऐसे ये लगा के खुलती है क्या? तो चाबी लग, वुमेन्स गाइस वुमेन्स, तो मैं बता दूंगा सुपर गाइस के बारे में, तो मैं चाबी का छेद दे रहा था तो पीछे से ही खुलेगी ना, और कहां से खुलेगी, तभी तो जब देखा तभी तो लगाया यार, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम, क्यूट है गाइस, इसे कुछ पता नहीं गाड़ियों के बारे में बता रहा हूं, लेकिन यहां पर हर्ष फिट आ जाएगा, क्या बोलती हो, आयुष तुम फिट आ जाओगे यहां पर, आयुष तुम्हें यहां बिठा देते भाई, लेकिन तुम जा सकते हो सुपर में, लेकिन हर्ष पे देख लो ये करेंगे, चार बंदे जा सकते हैं इस पे। एक्चुअली गाइस इलेक्शन चल रहे हैं ना, हर्ष भाई के पापा थोड़े से बड़ी पोस्ट पर है तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोट फॉर हर्ष के पापा, जय माता दी, वहाँ जा रखी है वैष्णो देवी, भव्य अभी गाइस वैष्णो देवी जा रखी है अभी ना, वो मंदिर के दर्शन करके आई है, इतना सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना जिंदगी में, बट इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिस हिसाब से इसकी मौत चल रही है ना, आई नो दिस विल बी क्रेजी।